हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि थंबनेल में क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सांपों के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सांपों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जानेंगे कौन से सांप में कितना जहर होता है और सांप का जहर कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों और भी बहुत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी है, वो हम वीडियो में आपको साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सांपों के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स। 3000 प्लस दुनिया में पाई जाने वाली सांपों की प्रजातियां हैं, ठीक है। 300 प्लस भारत में पाई जाने वाली सांप की प्रजातियां हैं। 60 भारत में जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं। कितनी दोस्तों? भारत में जहरीली सांपों की प्रजातियां हैं 60 प्रकार की, ठीक है। दोस्तों भारत में बिना जहर वाले सांप 180 प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। 3000 प्रजातियां भारत में कुल पाई जाती हैं, जिनमें बिना जहर वाले सांप दोस्तों 180 से अबाहु सांप पाए जाते हैं, ठीक है। और 60 ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा विनम पाया जाता है, ठीक है। चीन सांपों की खेती और इसका लीगल कारोबार किया जाता है। दोस्तों चीन में सांपों की खेती की जाती है, ठीक है, और इसका जो जहर वगैरह निकालकर चीन में इसका बड़ा लीगल कारोबार किया जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब जानते हैं सांप का जहर क्या काम आता है और इसका कहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों 200 कोबरा सांपों से निकलता है 1 लीटर जहर। दोस्तों 1 लीटर जहर 200 कोबरा सांपों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 1 लीटर सांप के जहर की कीमत दोस्तों लगभग 1 करोड़ रुपए है। कितने दोस्तों? 1 करोड़ रुपए है 1 लीटर सांपों की जहर की, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट स्नेक बिजनेस करीब 6000 करोड़ रुपए है, ठीक है। सांप का जहर सोने के 1 ग्राम की कीमत से भी ज्यादा महंगा है। चीन में सांप का जहर यूरोप और अमेरिका के मुकाबले बहुत सस्ता मिलता है। दोस्तों चीन में सांप का जहर यूरोप और अमेरिका के मुकाबले बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। ब्राउन स्किन का 1 ग्राम जहर $4000 यानी 3.3 लाख रुपए में मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है कि 200 कोबरा सांपों से निकलता है 1 लीटर जहर, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कितनी इसकी लागत है, ठीक है, 1 लीटर जहर की कितनी कीमत है और दोस्तों इसका कैसा कारोबार किया जाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर या हम बोले तो कौन कौन सी वस्तुओं या चीज़ों, ठीक है, किन किन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है कोबरे का सांप का, ठीक है। तो वो भी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है जिसको हम सेवन करते हैं। आइए उनसे पहले अपन जानते हैं सांपों की प्रजातियां। 3000 से ज्यादा दुनिया में सांप हैं, ठीक है, और 320 से ज्यादा सांप की प्रजाति भारत में पाई जाती है। भारत में 60 से ज्यादा प्रजातियों के सांप जहरीले पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हैं सांपों के बिग फोर। इनके इंसान से हो वो इनके दोस्तों ढकने से डसने से दोस्तों ये जो आपको 4 सांप दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ये सांपों में बहुत जहरीले सांप होते हैं और इनके डसने से दोस्तों इंसान की मौत हो जाती है, जिसमें दोस्तों रसेल वाइपर हो गया, क्रेथ हो गया, कोबरा हो गया और स्केल्ड वाइपर हो गया, ठीक है। ये 4 प्रजाति दोस्तों सबसे खतरनाक प्रजाति हैं सांपों की, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जानिए कितना खतरनाक है रसेल वाइपर। एक बार इनके ऊपर अपन देख लेते हैं रसेल वाइपर जो स्नेक है वो कितना खतरनाक है।
दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है। 30 मिनट में इंसान को काटते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 120 से 250 ml छोड़ता है जहर एक बार काटने में। ठीक है, एक बार काटने में दोस्तों 120 से 250 ml जहर छोड़ता है रसल वाइपर। दोस्तों ये दुनिया के जो जहरीले सांप हैं उनके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये एक बार डसने पर दोस्तों करीब 10 से 15 लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धरती पर मौजूद है अजीबोगरीब सांप। आइए दोस्तों जानते हैं कि धरती पर मौजूद हैं दोस्तों अजीबोगरीब सांप। ठीक है, विश्व में सांप की 3,500 प्रजातियां हैं। इनमें से सिर्फ 600 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक है, भारत में सांपों की 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 60 प्रजाति के सांप विषैली हैं। प्रजातियां सांप 60 प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं और 40 प्रजाति के कम जहरीले होते हैं। करीब दोस्तों 180 प्रजातियां विषैली नहीं हैं। ठीक है, किंग कोबरा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह एकमात्र प्रजाति ऐसी है जो घोंसले बनाकर अंडा देती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है कि किंग कोबरा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो एकमात्र ऐसी प्रजाति है सांप की जो घोंसला बनाकर अंडा देती है। दुनिया में उड़ने वाले सांप भी होते हैं, लेकिन ये पक्षियों की तरह नहीं उड़ पाते हैं। ऊंचे पेड़ों से नीचे की ओर छलांग लगाते समय उड़ते हुए नजर आते हैं। दोस्तों जैसे ऊंचे पेड़ हो गए, दोस्तों उस पेड़ के ऊपर ये सांप ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे उतरने के लिए दोस्तों वहां से छलांग लगाते हैं, तो ये लहरदार आकृति में नीचे आते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जब अपन देखते हैं तो कि ये सांप उड़ रहा है। ठीक है, और वैसे उड़ने वाले सांप नहीं होते हैं। कुछ सांप अंडों की जगह सफोलों को जन्म देते हैं। रसेल वाइपर इनमें से एक ऐसा ही सांप है। ठीक है, सर्प के सूंघने की क्षमता तेज होती है। सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं, इसी कारण सर्प अपनी जीभ को अक्सर बाहर निकालते रहते हैं। सांप अपनी शिकार को चबाते नहीं बल्कि डायरेक्ट निगल जाते हैं। सांप के दो मुंह भी पाए जाते हैं। ऐसे सांप के दो दिमाग भी होते हैं जो अपने हिसाब से शरीर को साझा करते हैं। दोस्तों देखो इस बात पर भी थोड़ा सा संदेह है कि देखो सांप के दो मुंह वैसे तो नहीं होते हैं, क्योंकि सांप के दो मुंह नहीं हो सकते। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब सांप, कुछ सांपों की प्रजातियां हैं ना, वो क्या है कि मतलब उसकी मोटाई बराबर होती है पीछे से भी और आगे से भी, तो देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो मुंह का सांप है। ठीक है, ये बात है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सांप के जहर से दवाएं और शराब बनती है। दोस्तों शराब बनाई जाती है सांप के जहर से और दवाई बनाई जाती है। ठीक है, और आप पहले आप देख चुके हो कि कितना महंगा होता है सांप का जहर। ठीक है, 1 लीटर की कितनी कीमत होती है और 200 कोबरा सांपों में से 1 लीटर निकाला जाता है। ठीक है, 2022 में दुनिया भर में सांपों के जहर का बाजार 5,900 करोड़ रुपए से अधिक से ज्यादा का था। कब? 2022 में। दोस्तों 2023 तक ये बाजार बढ़कर 8,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, इससे भी ज्यादा हो गया होगा क्योंकि अभी 2024 चल रही है, ये 2023 का आंकड़ा अनुमानित है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सांप के जहर का इस्तेमाल कांकर पर होता है। एंटी वेनम दवाओं में सांप का जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कैंसर, मिर्गी और यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं में भी दोस्तों सांप का जहर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों स्नेक वाइन बनाने और स्नेक बाइट के लिए भी सांप का जहर यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं ना दोस्तों कि लोहा लोहे को ही काटता है, तो इसलिए दोस्तों सांप का जहर को ही काटेगा। इसलिए जो स्नेक बाइट जो इंजेक्शन होते हैं वो भी इसमें सांप के जहर से बनाए जाते हैं। ठीक है, और स्नेक वाइन होती है वो भी दोस्तों सांप का जहर यूज में लिया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
कैसे बनाया जाता है स्नेक वाइन। ठीक है दोस्तों, स्नेक वाइन जो एक पीने का पदार्थ, एक द्रव्य पदार्थ होता है पीने का, वो है। ठीक है, मैं भी इसके बारे में, स्नेक ये वाइन के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है स्नेक वाइन। जिंदा या मरे हुए सांप को एक बोतल में रखकर उसमें चावल, गेहूं या फिर अन्य अनाज के शराब को डाला जाता है। इस शराब की बोतल को बंद करके किण्वन के लिए महीनों तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड मिलाकर इसमें सांप के जहर की मात्रा को जांचा जाता है। ठीक है, चीन, वियतनाम समेत कई देशों में सांप को गर्मी और मर्दानगी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इन देशों में स्नेक वाइन पीने का कल्चर ज़्यादा है, जैसे चीन, वियतनाम। ठीक है, इन देशों में जो स्नेक वाइन है वो ज़्यादा पीने का प्रचलन है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।